खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स की फंड रेजिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या डैम फंड्स बैंकों में माकअप के लिए रखे जा सकते हैं। अदालत ने विफाकी हुकूमत और वाबडा से मुआवनत तलब कर ली। केस की समाअत चीफ इलेक्शन काजी फायजीसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने की। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। समाअत का हवाला बताएंगी सबीन शहबाज, हमारे साथ मौजूद है। सबीन बताइएगा। बिल्कुल देखिए, तभी दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स की फंड रेजिंग के मुताबिक केस था जिसकी सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी। चीफ जस्टिस काजी फैजला की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैजला की जानिब से रिमार्क दिए गए कि अकाउंट का जो अनुमान है वो नामुनासिब है और मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है कि आईन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को जो है फौकियत नहीं देनी चाहिए। अदालत ने जो वफाकी हुकूमत और वाबडा से मुआवनत तलब की है। केस की समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस काजी फैजला की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या डैम फंड प्राइवेट जो बैंक है माकअप के खालिद जावेद की जानिब से अदालत के सामने कहा गया कि फंड के जो अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज नहीं है। न्यूज पेपर में आजकल बहुत कुछ जो छपे जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैजला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ना आपको अदालत में अखबार पढ़ने देंगे ना ही अखबार पढ़ने के लिए जो है वो ना ही जो यहाँ पर हम अखबार पढ़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैजला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि सियासी बातों की बजाय जो है वो आइन के तहत जो है वो मुआवनत करे। साबिक अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि जब जो है वो डैम फंड केस चल रहा था उस वक्त आर्टिकल 184 की शिक्षा 3 के अख्तियार का फैलाव जो है पूरे मुल्क तक था। 47 साल मुलाजमत ने जो है वो कभी ऐसा नहीं देखा। हम डैम्स बनाते चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दे गए कि हम डैम्स बनाने से मुतालिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। जो मुतासिर हम उनके वकील भी अदालत में जो है पेश उनकी जानिब से कहा गया कि थर्ड पार्टी जनादात भी जो है उस केस से जुड़े हुए, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपने उस वक्त जो है नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर नहीं की गई थी। केस की मजीद समाअत जो है वो जुमे तक मुलतवी कर दी गई है। जी सबीन, तफसीलन बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।